आज हम बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बड़ी बातों की चर्चा करेंगे। बड़ी बातों का इसलिए मतलब है क्योंकि अब लक्ष्य बहुत नजदीक है और समय बहुत ही कम बचा है। टू ड्रीम द इम्पॉसिबल ड्रीम, मुझे वो ख्वाब देखना है जो असंभव सा है, मुझे वो स्वप्न देखना है जिसे लोग कहते हैं कि ये पूरा नहीं हो सकता है। आपके साथ भी ये बात होती होगी, टू ड्रीम द इम्पॉसिबल ड्रीम, टू फाइट द अनबीटेबल फो, मुझे उस शत्रु से लड़ना है जिसे आज तक कोई हरा नहीं सका है। टू फाइट द अनबीटेबल फो, मुझे उस डर से भी लड़ना है जिसे लड़ने के लिए कई शूरवीर घबरा जाते हैं। मुझे उस शत्रु को हराना है जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया, और आपके सामने है हिंदी मीडियम में फर्स्ट रैंक आज तक कोई नहीं ला पाया है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये बहुत बड़ा उद्देश्य है जिसके लिए आप लोग मैं मेहनत कर रहे हैं। टू फाइट द अनबीटेबल फो, बिल्कुल आज तक कोई हिंदी माध्यम का विद्यार्थी पहली रैंक नहीं ला पाया है और हमें उसी पहली रैंक के लिए लड़ना है। टू ड्रीम द इम्पॉसिबल ड्रीम, टू फाइट द अनबीटेबल फो, टू बियर विथ अनबियरेबल सोरो, इतना दर्द इतना दुख झेलना है जिसे आज तक कोई झेल नहीं पाया है। मैं हर कठिनाइयों को हर समस्याओं को झेलूंगा, मेरी कई सारी लालियां जिनके पे ऊपर प्रेशर है, कई लोगों पर प्रेशर है शादियों का, कई पर प्रेशर है घर गृहस्थी का, कई लालियों पर प्रेशर है बच्चों का, मेरे कई सारे लाल और लाली जो जॉब के प्रेशर से भी जूझ रहे हैं, और बेचारे कई सारे ऐसे लाल लाली हैं जिनकी आर्थिक समस्याएं हैं, कई लोगों के आर्थिक के अलावा पारिवारिक समस्याएं भी हैं, और वह सारे दुख दर्द को झेलते हुए भी मुझे लड़ना है, एक ऐसे शत्रु से लड़ना है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया है, और एक ऐसे ख्वाब के लिए जिसे कई लोग असंभव सा कहते हैं। टू रन वेयर द ब्रेव डेयर नॉट गो, मुझे वहां तक जाना है जहां बड़े बड़े शूरवीर जाने से घबराते हैं, मुझे उस दौर को देखना है जहां पर अच्छे अच्छे मेहनत करने वाले या ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग तक डर जाते हैं, मुझे उसको भी पार करना है। टू रन वेयर ब्रेव डेयर नॉट गो, टू लव प्योर एंड चेस फ्रॉम ए फार, टू राइट द अनफॉरगिवेबल रॉन्ग, मुझे पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से पूरी ईमानदारी से लड़ना है, और तब तक लड़ना है जब तक कि मैं अपने आप को सही साबित ना कर दूं। मुझे तब तक इस पूरे के पूरी लड़ाई में बने रहना है जब तक कि मैं जीत ना जाऊं। टू ट्राई व्हेन योर आर्म्स आर टू वियरी, मैं तब भी प्रयास करूंगा जब मेरे हाथ पूरी तरह से थक गए होंगे, मैं तब भी पढ़ूंगा जब पूरी तरह से आंखों में नींद आ रही होगी। टू ट्राई व्हेन योर आर्म्स आर टू वियरी, मैं तब भी लगातार मेहनत करूंगा जब मैं पूरी तरह से थका हुआ रहूंगा। टू रीच दैट अनरीचेबल स्टार, उस जगह तक पहुंचना है जहां तक पहुंच पाने का कोई स्वप्न भी नहीं देखता है। टू रीच द अनरीचेबल स्टार, दिस इज माय क्वेस्ट टू फॉलो दैट स्टार, नो मैटर हाउ प्लेस, नो मैटर हाउ फार, यही मेरा पथ है, यही मेरा लक्ष्य है। मुझे नहीं पता कि वो मुझे कहां मिलेगा और मुझे नहीं पता कि वो कितनी दूर चलने पर मिलेगा। टू फाइट फॉर द राइट विदाउट क्वेश्चन विदाउट पॉज, बिना रुके बिना सवाल खड़ा किए मैं लड़ता रहूंगा। टू बी विलिंग टू मार्च इन टू हेल फॉर हेवनली कॉज, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं नर्क से भी गहरी यातनाओं से गुजरने के लिए तैयार हूं। लाल लालियों, वो सारे दुख, वो सारी समस्याएं जो तुम्हारे अंदर अभी तक थी, उन्हें बता दो कि तुम उन समस्याओं से कई ज्यादा जिद्दी व्यक्ति हो। तुम्हारी जिद के सामने कोई भी व्यक्ति
कोई भी समस्या, कोई भी संकट बड़ा नहीं हो सकता है। लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट है, हिंदी माध्यम का फर्स्ट रैंक, एक वो इतिहास जिसे केवल लोग समझ नहीं पाए या सुन नहीं पाए हैं, वो इतिहास आप लोगों को लेकर आना है लाल लाली। और ये एक दिन का नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर दूं, केवल एक दिन की ऊर्जा और एक दिन का यह एनर्जी वाली बात नहीं है, ये प्रतिदिन धीमे धीमे बढ़ने वाली बात है, ये वो कदम कदम बढ़ाने वाली बात है जिसके माध्यम से हम उस लक्ष्य तक भी पहुंचेंगे जहां पर कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता था। 2-3 साल पहले हिंदी माध्यम में रिजल्ट की बात नहीं हो पाती थी, पर मैं ये दावा कर रहा हूं कि पिछले 6 महीनों में मेरे लाल लालियों में फर्स्ट रैंक तक की उम्मीदें जागने लगी है। ये वो बदलाव का दौर है जहां हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बाकी एमके लाइव रिफर कोड आप यूज कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, अभी सुरक्षित रहिए, जितना ज्यादा अपने आप को आप अभी भी बचा कर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय ज्यादा से ज्यादा अपने आप को मजबूत करने पर फोकस करिए, पढ़ते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक।